जानवर जो खुद ही अपनी मौत का कारण बनते हैं, एनिमल्स दैट कैन किल देमसेल्व्स। दोस्तों, कछुओं के शरीर पर जो शेल मौजूद होता है वो उन्हें अन्य शिकारियों से सुरक्षा तो देता है, पर सच्चाई तो ये है कि यही शेल कभी कभी उनकी मौत का कारण भी बन जाता है। इसी तरह इस दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनके शरीर का कोई अंग या कोई शारीरिक दिक्कत ही उनकी मौत का कारण बनती है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में, इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 8, स्लॉथ्स। स्लॉथ्स के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े नाखूनों वाला ये जानवर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अजीब लगता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये देखने में जितने ज्यादा डरावने होते हैं, असल में उतने ही ज्यादा शांत भी होते हैं। पर याद रहे कि इनके नाखूनों से आपको रेबीज का खतरा हो सकता है। दोस्तों, स्लॉथ्स भी उन जानवरों में शुमार हैं जो कि अपनी शारीरिक गलती की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि स्लॉथ्स का आलसी नेचर ही उनके लिए मौत की वजह बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो दिन में करीब 20 घंटे तक सोते हैं और बहुत ही कम बार पेड़ से नीचे उतरते हैं, जिस वजह से कोई भी बड़ा शिकारी जानवर या पक्षी आसानी से पेड़ पर चढ़कर उनका शिकार कर लेता है और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। नंबर 7, टर्टल। दोस्तों, अगर हम कछुओं को देखें तो वो अच्छा खासा लंबा जीवन जीते हैं, साथ ही उन्हें किसी का शिकार बनने का भी डर नहीं होता, क्योंकि उनके पास शरीर पर बहुत ही मजबूत शेल होता है जो कि उनकी शिकारियों से रक्षा करता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही शेल उनकी मौत का कारण भी बनता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि कभी कभी कछुओं का शेल इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो गलती से भी उल्टे हो जाते हैं, तब बड़े शेल की वजह से उनकी गर्दन और उनके पैर जमीन पर नहीं पहुंचते, जिस वजह से वो सीधे नहीं हो पाते और काफी देर तक उल्टे पड़े रहने की वजह से भूख से उनकी मौत भी हो जाती है। हालांकि कभी कभी वो अपनी गलती की वजह से उल्टे हो जाते हैं, पर कभी कभी ऐसा मादा टर्टल के लिए अन्य कछुओं से हुई लड़ाई की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि उस समय कछुओं का मुख्य मूव एक दूसरे को उल्टा करना होता है और जो पहले आने प्रतिद्वंदी को उल्टा कर देता है, जीत उसी की होती है। नंबर 6, रेनडियर। हम सभी जब भी जंगल जाते हैं, हमें वहाँ रेनडियर जरूर देखने को मिलते हैं, जो ना सिर्फ खुद आकार में बड़े होते हैं बल्कि उनके सींग भी बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। पर क्या आप सभी जानते हैं, रेनडियर के ये सींग कभी कभी उनकी मौत का कारण बन जाते हैं, क्योंकि जब वो मादा को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, तब उनके सींग आपस में टकराकर एक दूसरे को घायल कर देते हैं और अपने उल्टे सीधे आकार की वजह से इस लड़ाई के दौरान उनके सींग आपस में फंस जाते हैं, जिन्हें निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, आपको जानकर दुख होगा कि इस तरह फंसे फंसे ही अक्सर उनकी मौत हो जाती है या फिर वो पानी में डूब जाते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि उनकी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कई बार जब इंसान उन्हें इस हालत में देखते हैं तब उनकी मदद से ही उनकी जान बच पाती है, वरना इनके सींग उनकी ही जान लेकर मानते हैं। नंबर 5, अर्गाली। दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया के बहुत से सींग वाले जानवर आपसी लड़ाई के चलते एक दूसरे की जान ले लेते हैं, तो वहीं अर्गाली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसके सींग खुद ब खुद उसकी मौत का कारण बनते हैं। वैसे शायद ही आपको इस बारे में पता हो कि अर्गाली प्रमुख रूप से एशिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक जानवर है, जो कि हिमालय और तिब्बत के आसपास के इलाकों में देखा जाता है। वैसे अगर ताकत की बात करें तो यह बहुत ही ताकतवर होता है, क्योंकि इसका वजन करीब 50 किलो का होता है, जो किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी है। लेकिन विडंबना यही है कि उनके सर पर जो सींग होते हैं वो उनकी उम्र के साथ साथ लगातार बढ़ते जाते हैं और कभी कभी उल्टी दिशा में बढ़ने लगते हैं और सीधा उनके फेस में ही घुस जाते हैं, जिससे उनकी दर्दनाक मौत भी हो जाती है। नंबर 4, शीप्स। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिन भेड़ों को देख रहे हैं, अगर हम इंसान इन भेड़ों के शरीर पर मौजूद वूल को समय समय साफ नहीं करते, तब यही वूल उनकी मौत का कारण भी बन जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वूल के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स और बग्स छिप जाते हैं, जिन्हें हटाने के लिए भेड़ लगातार प्रयास करती है और अपनी स्किन तक को नुकसान पहुंचाने लेती है, क्योंकि बार बार स्किन को पैर से खोजाने पर स्किन छिल जाती है और जिसका परिणाम ये निकलता है कि भेड़ की स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका समय पर इलाज ना होने पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखें कि अगर आपके पास भी ये भेड़े मौजूद हैं, तब आपको उनकी एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 3, बाबिरूसा। दोस्तों, इंडोनेशिया के बुरु आइलैंड पर रहने वाले बाबिरूसा इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे असामान्य जानवर हैं, जो कि देखने में लगभग किसी पिग की तरह ही लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका व्यवहार किसी पिग की तरह ही है, क्योंकि इनका आकार थोड़ा छोटा और टांगे लंबी होती हैं। साथ ही ये साफ पानी में रहना पसंद करते हैं और पेड़ पौधे खाते हैं। पर शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि मेल्स के जो अपर और लोअर कैनिन्स होते हैं, वो उनके पूरी जिंदगी पढ़ते रहते हैं और हल्का सा बेंड होकर उनकी खोपड़ी तक पहुंच जाते हैं, और कभी कभी तो उन्हीं फैंग्स के खोपड़ी के अंदर घुस जाने से बाबिरूसा की मौत हो जाती है।
हालांकि सभी नरों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके ये फैंग्स बेहद कमजोर भी होते हैं जो लड़ाई के दौरान अक्सर टूट जाते हैं। पर यह जरूरी नहीं कि हर बार ही लड़ाई से ही टूटे, क्योंकि कभी कभी इंसान भी इनके सामने मसीहा बनकर आ जाते हैं और इन्हें इस दिक्कत से बचा लेते हैं। नंबर 2, डोंकीज। आप सभी ने गधे तो जरूर देखे होंगे, और आपको यह भी जरूर मालूम होगा कि गधे बहुत ही शांत स्वभाव के जानवर होते हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं गधों के शरीर में एक हिस्सा ऐसा भी है जो उनकी जान ले सकता है? जी हाँ, वो हिस्सा है उनके नाखून, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं और ऊपर की ओर बेंड हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें सीधा चलने में दिक्कत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो तनाव में आ जाते हैं और इसी तनाव के चलते कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसे ही कुछ घोड़ों के साथ भी होता है, इसलिए याद रखें कि अपने गधे घोड़ों के नाखूनों को काटते रहें। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि पालतू गधों के नाखून तो उनके मालिक काट देते होंगे, पर सोचने वाली बात तो ये है कि जंगली गधे कैसे अपने नाखून काटते होंगे। वेल, सभी गधों के नाखून इस तरह से नहीं बढ़ते, बल्कि सिर्फ कुछ जंगली गधों के ही साथ ऐसा देखने को मिलता है। नंबर 1, डियर। अगर जंगल के सबसे मासूम जानवर की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हिरण का नाम ही आता है, क्योंकि हिरण बहुत ही छोटे और शांत दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि कभी कभी हिरण ही खुद अपनी मौत का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जिज्ञासा कभी कभी उन्हें किसी ऐसी जगह पर पहुंचा देती है जहां से वो खुद नहीं निकल पाते। कई बार ठंडी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि हिरण जमी हुई झील के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और उस झील से निकल नहीं पाते, क्योंकि निकलने का प्रयास करते हुए उनके पैर बर्फ पर स्लिप करते हैं, जिसके कारण लगातार कोशिश करते हुए वो थक जाते हैं और वहीं बर्फ पर गिर कर कुछ समय में उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थितियों से लोगों ने बहुत से हिरणों को बचाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हिरण उन मददगार लोगों से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि एक बार बर्फ की झील या किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकलने के बाद ये पल भर में ही हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं और मुड़कर भी नहीं देखते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।